ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैव अणु तथा बहुलक इस चैप्टर के पूरे थ्योरी को हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था आज की क्लास में हम इससे आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न जो है वो पंद्रह से बीस मार्क्स के आते हैं तो आज के क्लास में हम पूरे थ्योरी को कवर करने के बाद इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों सीधे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारा पहला प्रश्न है एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है दोस्तों मैं आप जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो हमारा सबसे पहला जो मेन टॉपिक था वो यही था कि एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा होता है तो एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला जो क्रियात्मक समूह होता है वो या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही करेक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आर्यने में नहीं पाया जाता तो दोस्तों आर्यने में जो है वो थामीन जो है ये नहीं पाया जाता है दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे डीएनए और आर एन में कौन कौन सा पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है ये आपको हंड्रेड परसेंट याद होना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बनता है डीएनए में बात कर लें यानी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में तो इसमें एडिनिन ग्वानिन थाइमिन के छोड़ करके यहाँ पे प्यूरिन क्षारक तथा साइटोसिन थाइमिन एवं फाइफ मेथिल साइटोसिन पीरिमिडिन क्षारक है वहीं आर्यन में बात कर ले तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एवं यूरोसिल क्षारक पाया जाता है तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको जो थाइमिन है ये डीएनए में है पर आर्यन में आपको नहीं देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में ऐसा कौन सा है जो कि आर्यन में नहीं होगा कौन सा ऐसा क्षारक होगा जो कि डीएनए में होगा पर आर्यन में नहीं है तो वो थाईमिन होगा तो आपको इसमें कौन कौन से होते हैं और आर्यन में कौन कौन से छारक होते हैं वो याद होने चाहिए इससे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसलिए इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आपको याद करना है कैसे याद करना है आपको याद करना है डीएनए में कौन कौन से तो एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन प्यूरिंग छारक और फाइव मेथिल साइटोसिन ठीक है और इसके साथ साथ आर्यन में एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया दिया अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो दोस्तों आप तक तो आप समझ गए हो गए होंगे कि आर्यन में नहीं पाया जाता है तो कौन सा नहीं पाया जाता है तो आर्यनए में थायमिन जो है ये नहीं पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन स्रावित होता है तो आप सभी बहुत ही अच्छे जानते हैं हमने आपको बायोलॉजी के क्लास में कई बार बता चुका हूं कि अग्नाशय द्वारा ही इंसुलिन श्रावित होता है ऑप्शन नंबर बी यानी अग्नाशय यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पाली एमाइड है तो यहाँ पे नायलान सिक्सटी सिक्स जो है वो हमारा एक प्रकार का पाली एमाइड है दोस्तों अगर आपने थ्योरी वाली पार्ट की वन की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख ही आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए तो यहाँ पे नायलॉन सिक्सटी सिक्स जो है वो हमारा पॉली एमाइड होगा दोस्तों अगर आपने हमारी थ्योरी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अन्यथा आप हमारी वीडियो के आई बटन पर भी देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीनों का एक परीक्षण है प्रोटीनों का एक परीक्षण है कौन सा है तो बायू रेट परीक्षण जो है ये प्रोटीनों का किया जाने वाला एक परीक्षण है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल नहीं है तो दोस्तों ग्लाइसिन एलेनिन हिस्टिडीन ये सभी क्या है ये सब एमिनो अम्ल ही हैं ये मैंने आपको बता रखा है पर इनमें जो बेंजीडीन है ना ये किसी प्रकार का एमिनो अम्ल नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता है निम्न में से कौन है जो कि न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता है तो ग्वानिन एडिनिन साइटोसिन ये सभी तो आपके न्यूक्लियो में पाए ही जाते हैं यानी आर एन ए और डी एन ए दोनों की बात कर रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियो टाइट्स कहा जाता है न्यूक्लियो क्या होता है दोस्तों तो जो आपके डी एन ए की संरचना होती है डी एन ए की संरचना कुछ ही इस प्रकार की होती है जो कि कालेकर तथा फ्लेमिंग ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था तो ये डी एन ए जो बना होता है इनमें जो बेस के बीच में डंडे जुड़े होते हैं ना वो न्यूक्लियोटाइड्स के ही बने होते हैं तो आई थिंक अगर आपने पढ़ा होगा डी एन ए के मॉडल को तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के बेस के डंडे बने होते हैं इनमें एडिनिन गुआनिन साइटोसिन तो होता है पर ये जो ट्रायोक्सिन आपको दिख रहा है ये नहीं पाया जाता है तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिटामॉल क्या है तो पैरासीटामॉल क्या है तो पैरासीटामॉल एक प्रकार का प्रतिपादक तथा दर्दनाशक है पैरासिटामॉल को तो आप अच्छे से जानते होंगे जो कि एक प्रकार का प्रतिपादक या फिर प्रतिजैविक कह सकते हैं पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिपादक तथा दर्द नातक दोनों दिया हुआ है तो हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मान करके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे दर्द नाटक दिया हुआ है और यहाँ पर केवल ही प्रतिजैविक दिया हुआ है पर यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है क्लोरे एम्फेनिकॉल प्रयुक्त की जाती है तो ये प्रतिजैविक के रूप में प्रयुक्त की जाती है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट है निम्न में से कौन इस्टेराइड संरचना से संबंधित है निम्न में से कौन है जो कि इस्टेराइड संरचना से संबंधित है तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी जो है हमारा है ये स्टेराइड संरचना से संबंधित है इसकी संरचना जो होती है वो इस्टेराइड की संरचना होती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट न्यूक्लो न्यूक्लिक अम्लों में क्रम है बेस फास्ट सरकरा फास्ट बेस सरकरा सरकरा बेस फास्ट बेस सरकरा फास्ट तो इसमें से कौन सा क्रम सही होगा तो बेस सरकरा फास्ट ये होगा सही क्रम न्यूक्लिक आमलों के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको तो इसका क्रम जो तो है वो तो याद होना चाहिए अगला है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना का कारण है तो प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा दोस्तों क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आर्यन का अवयव नहीं है तो दोस्तों पीरीडीन जो है ये आर्यन का अवयव नहीं है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला है पेप्टाइड बंद है दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है पेप्टाइड बंद है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो एक प्रकार का पेप्टाइड बंद ही है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा चौदहवें क्वेश्चन का अगला प्रश्न है ग्लाइसीड को निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है तो दोस्तों ग्लाइसिन को हम प्रकाशिक सक्रिय तथा तो इसके अतिरिक्त सभी वर्गोकृत रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं यहाँ पे प्रकाशिक सक्रिय जो है वो हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है तो आयरन है जो कि रक्त को सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है तो आयरन यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफास्पेड यानी ए एम पी कौन सा है इनमें से आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लोटाइड्स बी दिया हुआ है एक न्यूक्लोसाइड्स सी दिया हुआ है एक कीटनाशी और डी है एक प्रति जीवाणुक तो दोस्तों एडीनोसिन मोनोफास्फेड इनमें से कौन सा करेक्ट होगा तो एडिनोसिन मोनोफासफिड यानी कि जिसे ए एम पी लिखा जाता है इसका करेक्ट आंसर होगा एक न्यूक्लोटाइड ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीएनए डी में अणु के शर्करा वाले भाग से जुड़े हुए नाइट्रोजनी बेस होते हैं में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है निम्न में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है क्योंकि मैंने डीएनए और आरएनए के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है दोस्तों ध्यान से पढ़िए आपको मैंने पहले बता दिया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है बहुत बार बनते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ग्वानिन साइटोसिन एडिन तो पाया जाता है पर लाइसिन जो है ये न तो डीएनए में पाया जाता है न ही आर एन ए में पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी निद्राकारी औषधि है इनमें से कौन सी है जो कि निद्राकारी औषधि यानी जिनके सेवन से निद्रा आती है तो इनमें से जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ल्यूमिनोल। ल्यूमिनोल जो है ये एक प्रकार की निद्राकारी औषधि है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट निम्न में कौन किस हारमोन्स के श्रावण से कमी के कारण एडिशन की बीमारी हो जाती है निम्न में से कौन सा ऐसा हारमोन्स है जिसके कमी से या फिर हार्मोन के श्रावण में कमी से क्या होता है एडिसन नाम की एक बीमारी हो जाती है तो दोस्तों एडिनल हारमोन्स की कमी से हमारे शरीर में एडिसन नाम की बीमारी हो जाती है और इसका रोग का निवारण भी होता है एडिनल हारमोन्स की पूर्ति को अगर हम पूरा कर दें यानी इसकी भरपाई पूरी कर दें किसी भी प्रकार की तो जो हमारा एडिसन रोग होगा जो बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी तो हारमोन से होने वाली बीमारी को हम हारमोन के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया था थ्योरी पढ़ाते समय बहुत ही अच्छे से अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम ट्राई को वसी अम्लों तथा ग्लिसराल में जल अपघटित करता है तो दोस्तों जो आपका लाइपेज है लाइपेज ही ये एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो कि ट्राई को वसी अम्लों में तथा ग्लिसराल में जल अपघटित कर देता है ऑप्शन नंबर सी यानी लाइपेज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर एमिनो अम्लों के गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण के लिए सर्वाधिक सामान्य अभिकर्मक कौन सा है एमिनो अम्लों के गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण के लिए सर्वाधिक सामान्य अभिकर्मक इनमें से कौन सा है तो इनमें से सबसे जो मात्रात्मक विश्लेषण के लिए अगर माने हम तो सर्वाधिक सामान्य अभिकर्मक जो होगा वो आपका होगा निन्हाइड्रीन अभिकर्मक निन्न हाइड्रीन अभिक्रमक के बारे में आपने सुना भी होगा निन्हाइड्रीन अभिकर्मक तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि निन्नहाइड्रीन अभिकर्मक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है आप सभी ने इसको पढ़ा भी होगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में कौन सा एंजाइम इसमें से कौन सा होगा तो लार में एम आई लेस पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट हमारा चौबीसवा प्रश्न है निम्न में से शरीर का कौन सा भाग संरचनात्मक प्रोटीन का नहीं बना होता है तो अस्थियाँ जो है वो हमारे शरीर में एक ऐसी भाग होती है जो कि सरनाश्मक प्रोटीनों का नहीं बना होता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अस्थियाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा अस्थिया यानी बोन्स निम्न में से कौन एक हार्मोन है दोस्तों इनमें से आपको चारों में से कौन सा एक हार्मोन है आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आर्यने बी है इन्वर्टेज सी है राइबोफ्लेविन और डी है इंसुलिन तो इनमें से जो हमारा करेक्ट होगा आपने इंसुलिन के बारे में बहुत बात सुना होगा तो इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन ही है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इंसुलिन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इंसुलिन का श्रावण कहाँ होता है तो इसके मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि इंसुलिन का जो श्रावण होता है वो अग्नाशय में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीन हार्मोन की भांति कार्य करता है निम्न में से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा होगा तो इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हारमोन्स के रूप में ही हार्मोन्स के प्रकार से ही कार्य करता है अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप सभी को आता भी होगा एंटीबॉडीज़ है इनमें से कौन सा है जो कि एंटीबॉडीज़ है क्या एंजाइम है या फिर हार्मोन है कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है तो एंटीबॉडीज़ की बात करें तो प्रोटीन जो है वो हमारी एक प्रकार की एंटीबॉडीज़ है प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा न्यूक्लिक अम्लों में होते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं यहाँ पे आप बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा न्यूक्लिक अम्लों में कौन सा पाया जाता है कौन सा अम्ल न्यूक्लिक अम्लों में होता है तो न्यूक्लिक अम्लों में टू प्योरिन बेस तथा टू पीरी बेस पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे यही हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी टू प्योरिन बेस तथा टू पीरीमिडीन बेस अगला हमारा क्वेश्चन है डीएनए का कार्य है तो डीएनए का कार्य क्या है तो आरएनए को संश्लेषित करना ये भी डीएनए का कार्य है आवश्यक प्रोटीनों को संश्लेषित करना ये भी एक प्रकार का डीएनए का कार्य है अनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य भी डीएनए का ही होता है यानी उपरोक्त तो सभी जो है वो सही हैं इसमें से डीएनए का ये सभी कार्य सही हो जाएगा डीएनए तथा आर्यन दोनों में पाए जाने वाले दो प्योरीन बेस कौन से होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला और आप देख रहे होंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो बार बार बन रहे हैं तो ग्वानिन एडिनिन ग्वानिन यूरेसिल एडिनिन तथा थाइमिन और डी दिया हुआ है साइटोसिन तथा यूरेसिल तो साइटोसिन तथा यूरेसिल ये जो है ये डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाने वाले दो प्यूरिन बेस हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगर आपको आरएनए और डीएनए में कौन कौन से क्षारीय लवण पाए जाते हैं याद होगा तो आप इस टाइप के एक क्वेश्चन को हंड्रेड परसेंट सॉल्व कर पाएंगे और चार नंबर अपना पक्का कर लेंगे अगला क्वेश्चन है नायलान धागे निम्न में से किस प्रकृति के होते हैं तो नायलॉन के जो धागे होते हैं वो अज्वलनशील होते हैं यानी ये आग में जलते नहीं हैं नायलान बहुलक की प्रकृति कैसी होती है तो नायलान बहुलक की प्रकृति उभय धर्मी होती है नायलॉन बहुलक की जो प्रकृति होती है वो उभय धर्मी होती है दोस्तों ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क भी लगाया हुआ है तो आप इस प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तैंतीसवां प्रश्न है गन कार्टन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है गन कार्टन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी तो होती है तो गन कार्टन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बारह परसेंट होती है बारह पाँच परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा होती है अगला है मर्सीराइज सेलुलोज बनाने में सेलुलोज को निम्न में, में से किसके द्वारा फूलाते हैं मर्सीराइज सेलुलोज बनाने में निम्नलोज सेज को निम्न में से किसके द्वारा फूलाते हैं सेलुलोज के कई सारे प्रकार होते हैं जिसमें से मर्सीराइज सेलुलोज को बनाने में हम सेलुलोज को निम्न में से किसके साथ फूलाते हैं पूछा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जलीय एन एच यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला है घरों में प्रयुक्त प्लास्टिक क्राकरी किसके द्वारा बनाई जाती है तो घरों में प्रयुक्त प्लास्टिक क्राकरी मेलामाइन एवं फार्मेल द्वारा बनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इंसुलिन स्टार्च यानी सी फाइव एस टेन ओ फाइव में एन का मान होगा तो इंसुलिन स्टार्च एफ सी फाइव एस टेन ओ फाइव में एन का मान क्या होगा आपको एन का मान यानी इसका मान पूछा हुआ है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीस होगा सी फाइव एस टेन ओ फाइव में एन का मान ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करने पर इलेक्ट्राइज जो रेखीय बहुलक बनाते हैं वे उनका नाम बताइए जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करने पर लेक्टाइड जो रेखीय बहुलक बनाते हैं वे कौन से होंगे उनका आपको नाम बताना है तो वो होंगे आपके पाली एस्टर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक लाइट उदाहरण है तो बैक लाइट जो है ये रेजिन का उदाहरण है ब्लैक लाइट जो है ये रेजिन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है नायलान के उत्पादन में उपयोग होने वाला कच्चा पदार्थ कौन सा है नायलान के उत्पादन में उपयोग होने वाला कच्चा पदार्थ जो है वो ए डी का आम्ल होगा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है एडीपी का आम्ल आपको दिख रहा होगा ये होगा करेक्ट आंसर ब्यूना एस किसका बहुलक है तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ब्यूना एस किसका बहुलक है ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बार बार बनता है तो ब्यूना एस जो ये, butadine, मिस्टर है ये ब्यूटा तथा इस्टायरिन का मिश्रण है मिश्रण बहुलक है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला है आइसोप्रीन एकक है आइसोप्रीन किसका एकक बहुलक है तो आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बयालीसवा प्रश्न हमारा बैकेलाइट किस अभिक्रिया के बीच का उत्पाद है बैकेलाइट किस अभिक्रिया के बीच का उत्पाद है तो बैकेलाइट जो है ये फिनाल तथा मेथिनल की अभिक्रिया के बीच का उत्पाद है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट सैलक यानी लाख जो लाख कीटों से उत्सर्जित होता है वो किसका बना होता है सैलक जिसे कि लाख से कहते हैं जो लाख कीटों से उत्सर्जित होता है तो वो प्राकृतिक रेजिन से उत्सर्जित होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हमारा है वो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर चौवालीसवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन उबलते हुए आम्लराज के प्रति सह या अप्रभावी होता है तो टेफलॉन जो है ये उबलते हुए अम्लराज के प्रति शह या अप्रभावी होता है दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बता दूँ अम्लराज आपने सोचा होगा कि सर आम्लराज क्या है तो आप ही से क्वेश्चन है कि आम्लराज जो है इसे आप सर्च करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आम्लराज किसे कहते हैं क्योंकि अम्लराज आप में से बहुत सारे छात्रों को पता भी होगा और बहुत सौ को नहीं पता होगा तो अम्लराज क्या है इससे क्वेश्चन बनता है अम्लराज मैं आपको बता देता हूँ एक हिंट दे देता हूँ अम्लराज जो है ये एक प्रकार का अम्ल है जो कि आपने बार बार इसका नाम सुना होगा बहुत बार नाम सुना होगा बहुत ही कॉमन सा उसका नेम हो गया है तो अम्लराज क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए अम्लराज से क्वेश्चन बनता है कि अम्लराज इसमें से कौन सा है आपको चार ऑप्शन दे देंगे और आपको बताना होगा कि उनमें से आम्लराज कौन सा है तो राज कौन सा है इसका सूत्र क्या होगा आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर देगा उसके क्वेश्चंस को उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा जिससे सभी छात्र उसका आंसर देख लेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है एथिलीन प्रोपिलीन रबर को किया जा सकता है तो एथिलीन प्रोपिलीन रबर को क्या किया जा सकता है एथिलीन और प्रोपिलीन रबर को सल्फर द्वारा वर्किनाइज किया जा सकता है मैंने आपको बताया था सल्फर या फिर सल्फर से संबंधित कोई भी यौगिक हो तो उसे हम वल्केनाइजेशन भी यूज करते हैं और इसके साथ साथ पैराक्साइड द्वारा वल्केनाइड भी कर सकते हैं तो पैरॉक्साइड यानी पैरॉक्साइड यानी जैसे कि एच है हाइड्रोजन पैरॉक्साइड तो पैरॉक्साइड द्वारा भी हम एथिलीन प्रोपिलीन रबर को वलकिनकृत कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा यानी ए तथा बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा रबर के मंद आसवन से निम्न में किससे प्राप्त कर सकते हैं छियालीसवां हमारा क्वेश्चन है रबर के मंद आसमन से निम्न में से किसको प्राप्त कर सकते हैं तो रबर का अगर हम मंद आसवन करें तो आइसो प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डेली मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपको डेली दो से तीन मॉक टेस्ट कराते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं निम्न में से कौन सा सूत्र टेफ्लॉन का है निम्न में से कौन सा सूत्र टेफ्लॉन का है तो टेफ्लॉन का जो सूत्र है वो आपका ये है ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्रिलिक रेजिन की भौतिक प्रकृति होती है एक्रिलिक रेजिन की भौतिक प्रकृति कैसी होती है तो एकलिक रेजिन की भौतिक प्रकृति ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है रंगहीन तथा पारदर्शी होती है एक्रिलिक रेजिन की जो भौतिक प्रकृति होती है वो रंगहीन होती है यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है और इसके साथ साथ ये पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा उनचासवां क्वेश्चन का दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है पचासवा क्वेश्चन पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न के बहुलीकरण से मिलता है या पॉलीथीन की एकक इकाई है दोस्तों पॉलीथीन जो है ये एथाईलिन की ही एक प्रकार की बहुलिकड़ इकाई है एकक इकाई है तो मैंने आपको बताया था बहुत ही डिटेल में कि पॉलीथीन की जो बहुलक इकाई है वो एथाइलिन ही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों ये था हमारी आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न अगर आपको प्रश्न समझ में आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके और उनकी भी एक बेहतर तैयारी हो सके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ या फिर प्रीवियस ईयर के, के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए क्योंकि हम आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ साथ डेली वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए राम बार साबित होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारी जो पिछली बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड कर दी गई हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं उनको आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए थैंक यू